वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या कोविड-19 से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्या कोरोना के मरीजों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। इन सारे सवालों पर प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में हार्ट के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कई ऐसे मरीजों को भी हार्ट अटैक हुआ है जो पहले से हार्ट पेशेंट नहीं है और न ही उनको दिल से जुड़ी बीमारी थी। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कम से कम 15-20% रोगी हार्ट में वायरस के होने से प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर त्रेहन ने कहा जो मरीज पहले से हार्ट पेशेंट है या जिनको दिल में स्टेंट लगाए गए थे या बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं उन्हें कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद हार्ट संबंधी मेडिकल हेल्प भी लेने पड़े हैं। सबसे ज्यादा लेकिन चिंता की बात ये है कि कोरोना संक्रमित कुछ ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक हुए हैं जिनका पिछला हार्ट संबंधी बीमारी का कोई हिस्ट्री केस नहीं है। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा अधिकांश मामलों में मरीजों को सीने में दर्द की शिकायत होती है, हम उन्हें बचा भी लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मरीज को सीने में इतनी तेज और तीव्र दर्द होती है उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। 10-15% तक उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें मृत्यु के गंभीर जोखिम का अंदाजा लगता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।